Forza! आ गई तुम? हाँ आ गई। क्या हुआ, काम हो गया? काम हो गया, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है। हाँ तो कोई देख लेगा, अंदर चलते हैं नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। कमाल कर दिया तुमने यार। अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं। हाँ इकबाल, हमारे बीच तो मेरे पति ही दीवार था। और वो दीवार तुमने गिरा दी। मैंने नहीं, आतंकवाद ले। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब कदम बहकने लगते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों के बंधन इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेते हैं। और जब रिश्तों का मोल ही जीवन से खत्म हो जाए तो फिर जिंदगी को बिखरते वक्त नहीं लगता। जम्मू की रहने वाली खुर्शीदा बेगम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 3 बच्चों की मां बनने के बाद खुर्शीदा के कदम बहक गए और वो इकबाल नाम के एक शख्स को अपना दिल दे बैठी। इकबाल के साथ जिंदगी गुजारने के सपने संजोने लगे। इस नापाक ख्याल ने उसे अपने पति मोहम्मद खुर्शीद कोहली से दूर कर दिया और इकबाल के करीब ला दिया। इतना करीब ला दिया कि दोनों के बीच की सारी दूरियां ही खत्म हो गई। इकबाल और खुर्शीदा एक दूसरे से नाजायज रिश्ते की डोर से बंध गए। एक ऐसे नापाक रिश्ते की डोर से बंध गए जिसका अंजाम तबाही के सिवा और कुछ नहीं होता। पेशे से सरकारी टीचर इकबाल आए दिन खुर्शीदा से मिलने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे और इसी तरह इकबाल के साथ खुर्शीदा ने कई बार मर्यादा की दहलीज लांघ कर उसके साथ नाजायज रिश्ते बनाए। दिन गुजरते गए तो खुर्शीदा को अपना पति ही राह का सबसे बड़ा रोड़ा नजर आने लगा। खुर्शीदा इकबाल के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसके पति मोहम्मद खुर्शीद के होते हुए ये मुमकिन नहीं था। लिहाजा एक रोज खुर्शीदा ने अपने प्रेमी इकबाल के साथ मिलकर अपने पति को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। इकबाल, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मैं शादीशुदा हूँ इसलिए। हाँ, जरा सोचो, अगर तुम्हारे पति को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो क्या होगा हमारा? एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही है ना। तो क्या करें? क्यों ना हम उसे इस दुनिया से रुखसत कर दें? क्या? क्या क्या कह रही हो तुम? जब तक वो जिंदा है ना, हम सुख चैन से जी नहीं पाएंगे। हमारी खातिर उसे मरना ही होगा। तुम सही कह रही हो, यही एक रास्ता है जिसके जरिए हम दोनों एक हो सकते हैं।
सोचो, ये हम करेंगे कैसे? मेरे दिमाग में ना एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? नाजाज रिश्ते के जाल में फंसकर खुर्शीदा सब कुछ भूल बैठी थी। वो भूल गई थी कि खुर्शीद ने उसे अपनी दुल्हन बनाया था। वो भूल गई थी कि वो उसके तीन बच्चों की माँ थी। उसे याद था तो सिर्फ अपना वो रिश्ता जिसे लोग नाजायज कहते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अपने पति को कैसे रास्ते से हटाया जाए। और जब इकबाल उसकी साजिश में साथ देने को राजी हो गया तो खुर्शीदा ने उसे अपने पति के कत्ल की पूरी प्लानिंग बता डाली, जिसे सुनकर इकबाल खुशी से उछल पड़ा। वाह यार, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया प्लानिंग रही तुमने, मजा आ गया। ऐसा करने पर हमारा काम भी हो जाएगा और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। बस मजार हो गया तुम्हें। खुर्शीदा ने इकबाल को अपने पति के कत्ल की पूरी प्लानिंग बताई।